फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है, मजा आ गया। मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है, अमेजिंग मूवी यार। द मूवी वाज ओके, दिल धड़का दिया। जाली की बात करते हैं, कितना पसंद आया? दोनों ने अच्छा काम किया, नो डाउट, दोनों नए हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया दोनों ने। जानवी जी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, श्रीदेवी का ऐसा लगता है वापस आ गया है। एक्टिंग तो दोनों की अच्छी है, लगता है कि श्रीदेवी की बेटी है तो एक्टिंग उनके खून में है। एक्टिंग की बात करो तो बहुत अच्छी है, जानवी की इतनी अच्छी नहीं बताई, ईशान ने बहुत अच्छा किया उस पर। ईशान का काम इम्प्रेसिव है, जानवी अभी ट्राई कर रही है। ईशान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जानवी का मैंने कुछ पहले देखा नहीं था तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, पर ऑन द होल आई रेटेड मे बी 3/5। तो ईशान और जानवी दोनों ने बहुत इम्प्रेस किया है, लग नहीं रहा था ईशान की फर्स्ट मूवी है, बट जानवी से थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था, वो झिझक रही थी थोड़ा बहुत, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। जानवी एंड ईशान दे ट्राइड टू डू देयर बेस्ट, बट ईशान डिड अ गुड जॉब, वेरी टैलेंटेड एक्टर्स बोथ ऑफ देम, सेक्सी एकदम केमिस्ट्री, बहुत सेक्सी है। अभी नेक्स्ट रिप्लेसमेंट आ जाएगा शाहरुख काजोल के बाद, अब उनका टाइम गया, अब ये लोग नए हीरो है हमारे टाइम के। सैराट मैंने देखी नहीं, लेकिन अगर धड़क को देखूं मैं, अब फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, सैराट मैंने देखी नहीं तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सैराट धड़क इज अ वन टाइम वॉच, सैराट से ज्यादा बेटर है, सैराट सबसे बेस्ट थी। फिर भी यही सेम स्टोरी है, ऑलमोस्ट द सेम स्टोरी, बट सिर्फ एंडिंग चेंज की है। इस बार धड़क में कोई और मरता है, सैराट में तो दोनों ही मरते हैं। सैराट से भी अच्छी मूवी है, सैराट भी दो बार देखी है, तो सैराट उस तरह से वही एक्सपेक्टेशन थी, बट वो विलेज में सेटअप है और ये फर्स्ट हाफ उदयपुर में है और सेकंड हाफ कोलकाता में है। सैराट से अगर मैं कंपेयर करूँ इस मूवी को तो सैराट बेस्ट, सैराट का जो क्लाइमेक्स था वो जस्टिफाइड था, जिनका क्लाइमेक्स जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। मूवी का डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन बहुत अच्छा था, जो पहले भी अच्छा किया शशांक खेतान ने, बद्री हम्टी शर्मा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ये सारी फिल्में बनाई हैं, तो अच्छा था और धर्मा के साथ हमेशा अच्छी फिल्में बनती हूँ। डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवी हिट है। आई थॉट के जैसा हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू मूवीज देखी थी तो मैं कुछ उतना एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एज अ नॉर्मल डायरेक्शन देखा जाए तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी नॉर्मल रखा है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं रखा है, बट मे बी बीच बीच में वो जो कॉमेडी सीन्स जो थोड़े हाइट में कम है, जो दिखाए एक्टर, उनकी वजह से काफ़ी एंटरटेनिंग लगा हुआ। फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी फिल्म में, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, उदयपुर के सीन्स अच्छे थे और जिस तरह से दोनों एक्टर्स ने डिफरेंट लैंग्वेज बोली है, राजस्थानी बोली है, फिर बंगाली बहुत अच्छी बोल रही है, वो बहुत अच्छा लगा। डायरेक्शन अच्छा था, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट मेरे को ऐसे भी मूवी से कोई था नहीं एक्सपेक्ट, बट देखा जाए तो अच्छा ही था। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, इससे पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखी थी, जो आई वॉज नॉट अ बिग फैन ऑफ शशांक खेतान, बट विद दिस मूवी जिस तरह उन्होंने इतना ब्यूटीफुल, इतना वाइब्रेंट और इतना कलरफुल बनाया है ऑल थ्रू द मूवी। पहले शुरू में आप देखेंगे कि दोनों एक्टर्स का रॉ चार्म दिखाया है, रोमांटिक एंगल, एंड सेकेंड हाफ में उनकी इंटेंस रोल्स हैं, काफ़ी इमोशनल, तो उस तरह से मूवी बहुत ही यू नो वेरी नाइस इट इज़। डायरेक्शन इज वेरी गुड, अमेजिंग। म्यूजिक कैसा लगा मूवी का? म्यूजिक भी अच्छा था, ये अलग बात है कि सेकेंड पार्ट में सॉन्ग नहीं थे। जिंगार्ड जो ओरिजिनल है वो मिस कर रहे थे बस, एंड दैट वॉज ओनली पार्ट देयर इन द सॉन्ग्स, अदर देन द Zingard, every song was full on. Music best था और मुझे एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगी मूवी में जो बेकार थी। Music the obviously the title song is the all time favorite Zingard. 5 star. 4.5 star done. 4.5. मेरा 5. 3. 5 में से मैं 4 देना चाहूँ. 3. 4 star. 2.5. 3.5. 4.5. 3. 4.